हाय दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं जेंटलमैन्स गेम। दोस्तों बात करते हैं आज के मैच की, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। दोस्तों आज का मैच ही प्रीवियस मैच की तरह लो स्कोरिंग मैच था, बिल्कुल बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। अगर हम श्रीलंका की बात करते तो इन्होंने सिर्फ 137 रनों का मामूली सा स्कोर बनाया और जवाब में न्यूजीलैंड ने बिना किसी विकेट खोए 137 रन 16 ओवर में अचीव कर लिया। दोस्तों अगर हम श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो अगर आप इनके कप्तान करुणारत्ने को छोड़ देते हैं जिन्होंने 50 रन की पारी खेली तो यहाँ पर कोई भी बिल्कुल मैच में नजर ही नहीं आया। इन्होंने मतलब छोटी पार्टनरशिप भी बनाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, अगर ये इंग्लिश कंडीशन से शुरू के 10 ओवर में काफ़ी बॉल स्विंग हो रहा है, सीम ले रहा है और न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं उनकी भी तारीफ करनी होगी, इनके ओपनर बॉलर की हेनरी मैट और लोकी फर्गुसन की, तो इन्होंने भी तीन तीन विकेट लिए। पर हेनरी मैट ने इनके टॉप थ्री बैट्समैन को आउट किया, बिल्कुल मैच में बने ही नहीं रहने दिया। तो यहाँ पर जो श्रीलंका का जो बैटिंग लाइनअप था वो बिल्कुल तितर बितर हो गया। ये वर्ल्ड कप है दोस्तों, थोड़ा बड़ा मैच है, आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा। ठीक है, श्रीलंका के अगर बैट्समैनों की बात करें तो काफ़ी नए चेहरे हैं यहाँ पे। ये वो श्रीलंका टीम नहीं है जहाँ पे दिलशान संगकारा और जयवर्धन जैसे बैट्समैन हुआ करते थे, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे आप अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो आप ठीक है 300-350 रन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो 200-250 रन का एक छोटा सा टारगेट लेके चले, इतना तो आपको बनाना होगा तभी आप मैच बने रह सकते हैं। और अगर हम श्रीलंका की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ भी कुछ ऐसा कुछ उन्होंने कमाल नहीं दिखा पाए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लसित मलिंगा की बात करें, इनके पास तजुर्बा है वर्ल्ड कप खेलने का, यहाँ पे इन्हें कुछ करना चाहिए था। ठीक है, 137 रन का स्कोर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ भी एक दो विकेट लेने चाहिए थे, क्योंकि विकेट से ही बॉलिंग में कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पर लकमल भी कुछ कर पाते, उड़ान भी कुछ कर पाते और जीवन मेंडी जो स्पिनर हैं तो ये स्पिनर को भी कुछ हेल्प मिल पाती। पर 137 रन का स्कोर, जैसा मैंने पहले ही बोला कि कोई बड़ा स्कोर नहीं होता है कि यहाँ पर बॉलर उस स्कोर को बचा सके। वहीं अगर मैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन की बात करूँ दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है पिछली वीडियो में भी कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन मतलब बैटिंग लाइनअप काफ़ी विस्फोटक है, इनके बैटिंग में बहुत डेप्थ है। अगर आप शुरू से लेके टॉप फोर बैट्समैन देखेंगे तो यहाँ पे मुंड्रो आते हैं और विलियमसन है और गुप्टिल, जो कि आज काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, तो और मुंड्रो और गुप्टिल दोनों ने आज 50-50 रन का स्कोर खड़ा किया और विलियमसन और टेलर का तो नंबर ही नहीं आया दोस्तों। तो न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है शुरू से ही काफ़ी स्ट्रांग रही है। दोस्तों आज का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो न्यूजीलैंड ने काफ़ी डोमिनेट किया श्रीलंका को, और मतलब ऐसा दर्शक अगर मैं देखूं तो दोस्तों इतना मतलब बोरिंग काइंड ऑफ मैच था ये कि मज़ा नहीं आया दोस्तों, कि 50 ओवर में ही पूरा मैच समाप्त हो जा रहा है। यहाँ 100 ओवर का मैच होना चाहिए था, मतलब कुछ श्रीलंका टीम की तरफ से एफर्ट्स लगने चाहिए थे ताकि आप थोड़ा वहाँ पे मतलब अटैक कर सके, उन्हें जवाबी हमला कर सके। तो दोस्तों ये बिल्कुल वन साइडेड मैच जा रहा है, यहाँ पे श्रीलंका टीम को कुछ करना पड़ेगा, एक नई तैयारी से उतरना पड़ेगा। और दोस्तों आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि श्रीलंका की टीम कहाँ पे फेल हुई है, इनके बैटिंग के मतलब फेल होने का रीज़न क्या था, कि इंग्लिश कंडीशन जो शुरू के 10 ओवर वो इन्होंने ढंग से पढ़ नहीं पाए, या इन्होंने जो है प्रिपरेशन के साथ नहीं आए, या प्रेशर नहीं झेल पाया, नए चेहरे हैं या प्रेशर झेलने में इन्हें टाइम लग रहा है, या कंडीशन में उतना अपने आप को फेमिलियर नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अपना ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। और अगर आपको दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड कुछ जानकारी पूछना है, कुछ भी पूछना है आपको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।